Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Na ho sahaba. की अजमत का जो है मुनकिर, उमर की अजमत का जो है मुनकिर, हमारा वो रहनुमा नहीं है। बहुत अच्छे रहबर भाई, बहुत कामयाब, बहुत कामयाब, बहुत अच्छे। आप जिंदगी दे दीजिए। अजमत का जो है मुनकिर, हमारा वो मोहम्मद कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह के नात शरीफ के चंद अशआर, चूंकि इन उलमाए किराम और खुसूसन हजरत शेख हदीस दामत बरकातुहुल आलिया जो हमारी इजलास की सदारत फरमा रहे हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी के तरन्नुम से हो। तो दारुल देवबंद के बानी हजरत मौलाना कासिम नानोत्वी के दो तीन शेर नात के बड़ी जामे हैं, समाज फरमा ले। पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, नक्श रूए मुहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, बज़्म में कोनो मकान को सजाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से। वो मुहम्मद भी अहमद भी महमूद भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा मजमा कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वो मुहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद वो मशहूद भी, इल्मो हिकमत में वो गैर महदूद भी, इल्मो हिकमत में वो गैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठा सबसे पहले मशीयत के अनवार से। हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो में जन्नत बसाई गई। जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों लुटाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, नक्श रूए मुहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी,
बज़्म में कौन मकाम को सजाया गया। उलमाए किराम हजरत अकाबिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों, इस मुख्तसर प्रोग्राम में मेरा आना ये हजरत मौलाना इकराम साहब के मुखलिस होने पर मबनी है। मेरे आने में जो तकलीफ थी, मेरा अल्लाह शाहिद है कि हर 10 मिनट में अजीब कैफियत हो जाती थी। मैंने कहा अल्लाह तेरा मुखलिस बंदा मुझे दावत दिया है, उसमें जा रहा हूँ, तू मुझे सिफा दे दे, सेहत दे दे। ये दुआ मांगा कल रात 8 बजे जब ट्रेन में था, अल्लाह ने शिफा दे दी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना तो नाउम्मीदी की हालत में था। अल्लाह हर मरीज को शिफाए कामिल आता फरमाए, सेहत में आजिल आता फरमाए। उलमाए किराम ने यके बाद दीगरे बड़े बड़े उलमा, इतने उलमा बड़े बड़े अकाबिर मौजूद हैं कि हम जैसे छोटों को आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि मौलाना अकरम साहब हमारे उड़ीसा के बड़े हरदिल अजीज मुकर्रर हैं और वो तशरीफ ले जाया करते हैं, लिहाजा उनके बुलावे पे ना नहीं कह सके हम। मेरी दरख्वास्त है कि सूरह मुनाफिकून की उस आयत की तरफ आप और हम तवज्जो करें जिसमें रब्बे जुल जलाल ने उस वक्त के उन मुआनिदीन इस्लाम, मुआनिदीन सहाबा, मुआनिदीन साहबे किराम और तालिबे इल्म जो रसूलुल्लाह के शागिर्द थे उनके थे, उनके बारे में अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त ऐलान किया। रिवायत में आता है हुजूर नबी करीम सैयद आलम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, मुहाजिर और अंसार बिल्कुल मंतुशुदम तू मनशुदी मंतनशुदम तू जाशुदी ताकस न गोयर बाजी मंदी गरम तू दी गरी, ऐसे एक दूसरे के साथ रल मिल करके काम करने लगे के मुनाफिकीन को बड़ा बड़ा ही चोट लगा। जो अजल से दुश्मने हैं, अजल से के सतेजा का रहा है, अजल से ताइम रोज चरागे मुस्तफवी से शरारे दीन हदीस के मिसदाक मुनाफिकीन ने हमेशा चाहा इनमें टूट पैदा हो, इनमें जो तोड़ पैदा किया जाए। कुछ मुहाजिर साथी, कुछ अंसार साथी एक इलाके में सफर में तशरीफ ले गए, रास्ते में कुछ आपस में चकपक हो गई, तो एक मुनाफिक का जो जिम्मेदार था अब्दुल्लाह इब्ने उबै गालिबन, उसने महाजरीन से कहा कि तुमने ही तो इनके मुंह को बढ़ाया है, इनकी तुमने भरपूर मदद की है। दो मकान थे, एक मकान तूने महाजरीन को दे दिया, दो बीवियां थी एक बीवी उनके हवाले कर दिए, दो कोठी थी एक कोठी उनके हवाले कर दी, आज ये तुम्हारे सर चढ़ बोल रहे हैं। तुम अहद हजरत यहाँ से जब वापस हो गए, मदीना जब वापस हो गए, तो इन इन रजील लोगों को निकल करके बाहर कर दोगे, यानी महाजरीन को तुम निकाल करके बाहर कर दोगे। और कहा इन पर खर्च मत करो, ला तुहुमुल लदीना यकूलूना ला तुफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह, तुम अहद करो कि इन पर खर्च नहीं करोगे जो मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास रहते थे। कौन है ये मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास रहने वाले? वही आवाज जो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा के जरिए लगवाई थी। आज उलमा ने यही कहा, वो अस्हाबे सुफा थे जो रसूल करीम सैयद आलम की बारगाह में रहकर भूखो रहकर पेट में पत्थर बांधे हुए दीन इस्लाम की तरवीह और उसकी इशाअत उसकी तालीम को हासिल कर रहे थे। रिवायत में आता है हजरत नबी करीम सैयद आलम मौजूद हैं, आप भूखे हैं कई रोज से, सिद्दीक अकबर आते हैं, उमर फारूक आते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह फाके से पेट पीट में जाकर लग गया है। भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, और दिखाते हैं या रसूल अल्लाह पेट में हमने पत्थर बांध लिया है ताकि बोझल बना ले और कुछ तसल्ली मिल जाए। रसूल अल्लाह मुस्कुराए और अपने पेट से दामन कपड़े का दामन उठाया, आपके पेट में दो पत्थर बंधे हुए। इसी असना एक सहाबी रसूल आए, फरमाया या रसूल अल्लाह अभी 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 मैं
एक सहाबी रसूल के घर के पास से गुजरा, ढेरों खजूर उनके यहाँ जमा रखे थे। आपने मन बना लिया, सिद्दीक अकबर ने भी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक ने भी, कि चलकर उनके पास जाएंगे और खजूर ले। मगरिब बाद अंधेरे में पहुंचते हैं और वह सहाबी रसूल अपने घर के अंदर से निकलते हैं। सलाम मुसाफे के बाद फरमाते हैं, आए ऐ मेरे आका, आपकी हाजिरी कैसे हो गई? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, सुनो हम कई रोज से भूखे हैं, आज तुम्हारे दरवाजे पे सुना कि खजूरे हैं, हम खजूरे खाने आ गए हैं। अल्लाह के रसूल सैयद आलम की बातों को सुनने के बाद वो सहाबी रसूल थाने मार कर रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, बेताब हो जाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मिकदाद इब्ने अस्वद, क्यों रोने रो रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक खोशा भी खजूर का नहीं है कि आपके हवाले कर दूं और आपसे अब उसे सैर हो जाए, भूख मिटा ले, इसलिए कि मैंने उन तमाम खजूरों को तकसीम करते 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 सब खर्च कर दिया है, मगरिब से पहले तक सब खत्म हो चुके हैं, मेरे पास एक खोशा दाना भी खजूर का नहीं है कि मैं आपको पेश कर सकूं। अल्लाह के रसूल ने बिठाया, तसल्ली दी, फरमाया तुम्हारे पास चादर है? फरमाया हाँ चादर है। आपने फरमाया चादर लाओ, आप चादर लाए। फरमाया तुम्हारे इर्द गिर्द कहीं कोई खजूर का तना है? कहा तो नहीं है रसूल अल्लाह, दूर में बाग है। फरमाया कोई सूखा तना होगा खजूर का? फरमाया कि हाँ, करीब में सूखा तना है। आपने मिकदाद इब्ने अस्वद से फरमाया, ऐ मिकदाद, ले जाओ इस चादर को और खजूर के दरख्त के नीचे भी डाल देना, बिछा देना और कहना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उमर मां अबू बकर उमर को खजूर का तकाजा है। ये कहते हुए बैठ जाना, अल्लाह का करिश्मा देखना। और अल्लाह ने हमेशा ऐसे ही मामला किया है, जब कभी किसी घर को अल्लाह ने अल्लाश बनाया है, वहीं पर मेरे आका के मौजज़े को जाहिर। आपके सामने उलमा, इनके बयानात हमेशा आते हैं। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि हजरत नबी करीम सैयद आलम के इस फरमान पर मिकदाद इब्ने अस्वद पूरे उतरे, यकीन के साथ अल्लाह पर बैठ गए, खजूर गिरने लगे, रुतब गिर की खजूर तने से, सूखे तने से गिरने लगे। बिलाखिर उनको समेटा, आकर अल्लाह के रसूल को पेश किया। आपने भी नोश फरमाया, सिद्दीक अकबर ने भी, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी, और फिर वहां से वापस आए। मेरे कहने का मकसद, दीन की इशाअत और तबलीग में जिस कदर सऊबतें और तकलीफें अल्लाह के रसूल ने और आपके सहाबा ने बर्दाश्त की है, दुनिया में कोई नहीं है जो इतना बर्दाश्त कर सके। आज भी उम्मत का मसला यही है कि अगर उलमा दीन का काम करने लगते हैं तो उन पर उंगलियां उठाते हैं। याद रखो, उंगलियां उठाने वालों, अल्लाह कहता है तुम्हारी फहरिस्त बजाय मुसलमानों की फहरिस्त के किसी और तरफ तुम्हारी फहरिस्त जाने वाली है, इसलिए कि तुम ये समझते हो कि तुम मदारिस को चलाते हो। अल्लाह कहता है लिल्लाही खज़ाइन अस्समावाती वल अर्ज़, तुम नहीं, अल्लाह चलाता है, अल्लाह चलाएगा, तुम न दो फिर देखो अल्लाह कैसे इदारों को चलाता है। लेकिन जो देने वाला है वो अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होगा, अल्लाह के रसूल सैयद आलम के सहाबा की जुमरे में शामिल होगा, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब होगी। इसीलिए हमें चाहिए कि उलमा का साथ दे, मदारिस का साथ दे, नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेसहारा। अल्लाह हम सबों को इन बातों पर अमल करने और उलमाए किराम ने जिन जिन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो करने की जरूरत है। बिहार के मुसलमानों की भी बड़ी तारीफ करता हूँ, उड़ीसा में ई कदर आ कदर बच्चों को दीनी तालीम दिलवा रहे हैं, जो असल तालीम है इसको मुसलमान कहता भी है और बिहार का मुसलमान अमल भी करता है। बाज जगहों में कहते तो हैं कि कुरान की तालीम आला, लेकिन दुनियावी तालीम से इस कदर उसको आगे बढ़ाते हैं से बिल्कुल बेबहरा होकर वो बर्बाद हो जाता है। अल्लाह आपकी उम्रों में, आपकी औलादों की उम्रों में, आपके जज्बात में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और इन उलमाए किराम, इन अकाबरीन की दुआएं और उनकी रहनुमाई में आपको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।